तेरा क्या होगा कालिया, आज तक आपने इंसानों को उम्र कैद की सजा मिलते हुए देखा होगा या फिर उसके बारे में सुना होगा, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि क्या कभी किसी जानवरों को उम्र कैद की सजा मिलते हुए देखा है, यकीनन आपका जवाब नहीं होगा। आज हम आपको एक ऐसे बंदर से मिलवाने जा रहे हैं जिसे उम्र कैद की सजा मिली है। इतना ही नहीं, इस बंदर की कहानी काफी डरावनी है जिसके बारे में जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, लेकिन अब तक उसके बर्ताव में कोई बदलाव नहीं आया, लिहाजा उसकी उम्र कैद की सजा बरकरार रहेगी। यह बंदर इतना खतरनाक था, जब यह जेल से बाहर था कोई भी आदमी औरत बच्चा अकेले घर से बाहर नहीं निकलता था, और कोई भी आदमी खेतों में भी अपने पास लाठी डंडा रखा करता था। विशेषकर यह बंदर औरतों और बच्चों पर बहुत पूरी तरीके से आक्रमण करता था, और बच्चे तो इसके डर के मारे घर से बाहर निकलते ही नहीं थे। मिर्जापुर का कालिया। मिर्जापुर में कालिया बंदर का आतंक था। इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि कालिया बंदर का नाम सुनते ही महिलाएं और बच्चे खौफ खाते थे, क्योंकि यह बंदर महिलाओं और बच्चों को बहुत बुरी तरीके से नोच देता था। दोस्तों, यह बंदर ऐसा है कि यह औरतों को देखकर गंदे गंदे इशारे करता है। अकेली औरतों को देखकर यह उनको पकड़ लेता था, इसलिए इस बंदर को उम्र कैद की सजा हुई है। यहाँ तक कि उसको पकड़ने के लिए जब लोग इकट्ठा होते तो वो कभी उन लोगों की पकड़ में भी नहीं आता था, क्योंकि वह एक चालाक बंदर था। वो इतनी तेजी से औरतों और बच्चों को घायल कर देता था कि इतनी देर में किसी को समझ में नहीं आता था कि क्या करे क्या ना करे। उसको काफी बार लोगों ने पकड़ने की कोशिश की, परंतु वो किसी के भी हाथ नहीं लगा। फिर उसको पकड़ने के लिए सरकार ने कुछ विशेष उपाय करके उसको पकड़ा। कालिया बंदर ने तकरीबन 250 महिलाओं और बच्चों को अपना शिकार बनाया था। यह बंदर फिलहाल कानपुर के चिड़ियाघर में है। डॉक्टर्स का कहना है कि इसके बर्ताव में अब तक कोई बदलाव नहीं आया है, लिहाजा इसे नहीं छोड़ा जा सकता है। ये बंदर महिलाओं को देखकर अब भी काफी अजीबोगरीब हरकतें करने लगता है। ऐसा कहा जाता है कि मांस खाने और शराब पीने के कारण उसका स्वभाव हिंसक हो गया है। बताया जाता है कि इस बंदर को एक तांत्रिक ने पाला था। तांत्रिक बंदर को शराब और मीट खिलाता था। तांत्रिक की जब मौत हो गई तो कालिया बंदर ने लोगों को काटना शुरू कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि मांस खाने और शराब पीने के कारण उसका स्वभाव हिंसक हो गया है। आलम ये है कि कालिया बंदर का चर्चा का विषय बना हुआ है, और लोग अब भी उसके नाम से दहशत में आ जाते हैं। दोस्तों, आप लोगों को यह वीडियो कैसी लगी हमको कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो हमारे हनु एसजी के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। इसी के साथ जय श्री राम, मिलते हैं अगली वीडियो में।